ट्रिपो इंडिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक एडवेंचर एंड वांट सम थ्रिल, देन स्कूबा डाइविंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इस वीडियो में हम स्कूबा डाइविंग के बारे में डिटेल में जानेंगे कि स्कूबा डाइविंग क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, स्कूबा डाइविंग में खर्चा कितना आता है, और सबसे जरूरी क्वेश्चन कि स्कूबा डाइविंग के लिए स्विमिंग का आना जरूरी है कि नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, लेट्स गो। डाइविंग क्लब में आपसे मेडिकल स्टेटमेंट फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें बेसिक हेल्थ डिटेल्स की जानकारी आपको देनी होती है। इन इंडिया हैवलॉक इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्कूबा डाइविंग, विच इज अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट जस्ट 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान। स्कूबा डाइविंग पर जाने से पहले सेलो वाटर में ट्रेनिंग सेशन करवाया जाता है जिसमें आपको इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में बताया जाता है। डाइविंग के टाइम डाइव मास्टर आपके साथ रहते हैं। पानी में जंप करने से पहले जंप करने का तरीका बताया जा रहा है और यह ट्रेनिंग सेशन का लास्ट फेज होता है। हैवलॉक आइलैंड अपनी खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। उन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में से एक है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग डाइविंग का ही एक मोड है जो कि अंडरवाटर मरीन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। स्कूबा डाइविंग में स्कूबा वर्ड का मतलब सेल्फ कंटेंट अंडरवाटर ब्रीदिंग एपरेटस होता है जो कि एक कंप्लीट सेट के रूप में पहना जाता है। इसमें एक कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर होता है, एक BCD बोईसी कंट्रोल डिवाइस सूट होता है, एक डिमांड रेगुलेटर जिससे सांस लेते हैं, और एक मास्क जो नाक को कवर करता है। ये सब इक्विपमेंट्स इसमें होते हैं। हैवलॉक आइलैंड में जो डाइविंग साइट सबसे ज़्यादा फेमस है वह है डिक्सन पेनिकल। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर में आप अमेजिंग कलरफुल अंडरवाटर मरीन लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ के साफ पानी में साइपर्स, बाराकुडा, नीमो और स्वीट लिप्स जैसी मछलियों के साथ साथ रंगीन कोरल लीव्स, मैंग्रोव्स और भी बहुत सारी समुद्री प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ डाइविंग करने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से अप्रैल के बीच होता है। हैवलॉक में बहुत सारी डाइविंग क्लब्स हैं जो बहुत ही किफ़ायती रेट्स में स्कूबा डाइविंग करवाते हैं। स्कूबा डाइविंग में भी कई तरह की डाइविंग्स होती है जैसे कि सी शोर स्कूबा डाइविंग, बोट स्कूबा डाइविंग, डिस्कवर स्कूबा डाइविंग एक्सेट्रास। सुनने में तो ये सभी एक जैसे हैं लेकिन इन सब का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सी शोर स्कूबा डाइविंग शोर से 20 से 30 मीटर की दूरी पर होती है और इसमें 4 से 5 मीटर की गहराई तक लेके जाते हैं। क्योंकि ये शोर के पास में है इसलिए आपको इतना फिशेस और समुद्री प्रजाति को देखने को नहीं मिले। इसका ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट होता है और इसके लिए 1500 to 2000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। बोट स्कूबा डाइविंग में बोट से 2 से 3 किलोमीटर दूर सी में जाकर डाइविंग की जाती है। इसमें 10 से 12 मीटर डेप्थ में जाते हैं और यहाँ पर आप रियल मरीन लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन ये आपको 3000 to 3500 तक चार्ज किया जाता है। डिस्कवर स्कूबा डाइविंग भी सेम बोट स्कूबा डाइविंग के जैसे होता है जिसमें सी में 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर डाइविंग की जाती है। इसमें ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है जो कि 1 से 2 घंटे होता है और इसके लिए आपको 6000 to 7000 चार्ज किया जाता है। इन तीनों में बोट स्कूबा डाइविंग सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें एवरेज प्राइस पे आप एडवेंचरस अंडर वाटर मरीन लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 40 से 45 मिनट का टाइम बहुत होता है। सी शोर डाइविंग में इतना कुछ खास नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये शोर पर करवाई जाती है। इसलिए जब भी आप हैवलॉक आएँ तो बोट डाइविंग को प्रेफर करें क्योंकि इसमें आप स्कूबा डाइविंग का जो रियल एक्सपीरियंस है उसको आप फील कर सकते हैं।